ड्रोन गिर गया था, 1 लाख का ड्रोन। हाँ जी हाँ जी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मिलेगा। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है डे टू, मतलब डे टू क्या, डे थ्री है। मैंने आपको बताया था मैं ऐसे ऐसे कुल्लू जा रहा हूँ, फ्रेंड की यहाँ पे शादी थी। तो ये मेरे साथ अभी मेरे फ्रेंड है करण, कॉलेज टाइम के हम साथ में मतलब बैचमेट थे। तो आज हम जा रहे हैं कहाँ करण भाई? सिसु। हम जा रहे हैं सिसु, पर हम सिसु टनल क्रॉस करते राइट टर्न ले लेंगे। हाँ मतलब देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। स्पीति वाली साइड जाएंगे बेसिकली, जहाँ से टनल से आगे से एक रास्ता लेफ्ट ले लद्दाख वाली साइड चला जाता है, हम जाएंगे राइट साइड जो आगे काजा के लिए जाता है ना। पर बिल्कुल वहाँ तक नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आगे तक जाएंगे। बस हमें स्नो देखनी है मेनली, बाकी देखते हैं स्नो मिलती है कि नहीं। स्नो मिलती है कि नहीं? नहीं स्नो तो मिलेगी, क्योंकि -18 दिखा रहा है वहाँ पे टेम्परेचर। और अभी मेरे पास जैकेट नहीं है, क्योंकि कल रात को मैं शादी में जैकेट भूल के आ गया था। तो अभी यशवंत के पास जा रहे हैं, अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे, यशु, उससे जैकेट लेंगे। उसके भाई की शादी है इसलिए वो साथ में नहीं चलेगा हमारे साथ। अभी करण भाई के एक ब्रदर है आपका, छोटा भाई है, वो हमारे साथ हमें आगे मनाली में ज्वाइन करेगा, कुल्लू में। सॉरी अभी मैं कुल्लू से जस्ट 10-15 किलोमीटर पीछे हूँ। तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं वादियाँ और घूमते हैं। हम कहाँ पहुँच गए? हो गए कुल्लू, कुल्लू एंटर हो गए भाई साहब। कुल्लू वैली दिखा दे पूरी। वैली तो जबरदस्त है यार ये, और ऊपर से रोड भी इतने जबरदस्त कर दिए ना। हाँ हमने पिछली बार कर लिया था, इसलिए मैंने सोचा इस बार जाएंगे हम सिसु नहीं स्पीति टच करेंगे, बस टच करके। हाँ टच करके आ जाएंगे, और बर्फ भी टच करनी हो सकता है कि टर्न क्रॉस करते हैं बर्फ में। हाँ हो सकता है, क्योंकि वेदर रिपोर्ट में -18 दिखा रहा था। और हाँ एक और इंसिडेंस बताना था, वो मैं कल हम मंडी साइड ऊपर एक मंदिर है वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे मैं ड्रोन उड़ा रहा था, और ड्रोन को ना ईगल ने हिट कर दिया भाई साहब, और वो इतनी गहरी खाई में गिरा। कल का एक्सपीरियंस मतलब ऐसा था ना, ब्लॉग बना लेता। हाँ रिकॉर्ड हुआ था। वो क्लिप तो है हमारे पास, क्लिप बनाई थी मैंने छोटी मोटी, क्योंकि भाई ड्रोन गिर गया था, 1 लाख का ड्रोन। और उस टाइम नहीं पता नहीं लोग कैसे व्लॉग्स बना लेते हैं ऐसी सिचुएशन में, मेरी तो फट गई थी। व्लॉगिंग चली थी जरा, तो जरा फ्लो में थोड़ा आगे आ गए। फ्लो में आगे चल आ रहे हैं। आ रहे घूम के आगे बस 5 मिनट। नहीं जरा व्लॉग का इंट्रो शूट हो रहा था ना, तेरे को तो जिक्र हो गया है। यशु भाई से मिलने जाएंगे। यशु भाई जैकेट मिली सिट की? तो यार जैकेट चाहिए मेरे को, मैंने स्पीति जाना है। -15 है स्पीति में, -18 में जाना है, ऐसे मत बोल जैकेट नहीं मिली। 18,000 की है क्या? 18,000 की चाहे 800 रुपए की हो भाई, ठंड से बचना है। -18 डिग्री पे जा रहे हैं, बर्फ में जा रहे हैं एकदम। बर्फ में बिल्कुल जैसे पिछली बार गए थे आमटा। अभी बता रहा था मैं कि कल ईगल ने उसको हिट कर दिया, और वो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर नीचे खाई में जाके गिर गया। पर उसमें आता है फाइंड माई ड्रोन, वहाँ पे होती है ऑप्शन, मतलब जहाँ पे भी आपका ड्रोन क्रैश हुआ है तो वहाँ की लोकेशन आ जाती है। तो वो जंगल में नीचे नाले में आ रही थी, ये तो शुक्र है कि नीचे को गंदा कच्चा रोड गया हुआ था। फॉर्च्यूनर थी 4x4 तब चली गई, नहीं तो नॉर्मल गाड़ी होती तो जाती। फिर उसके बाद हम नीचे बिल्कुल जो क्लोजेस्ट पॉइंट था वहां तक पहुंचे, और वहां पे हमने 3-4 घंटे बैठ के बस फिर वो नीचे देखा कि कैसे उतरेंगे यहाँ पे। फिर वहां पे एक लोकल बंदे मिले थे हमें, गोविंद भाई, फिर आए गोपाल भाई, फिर आए साक्षात बजरंगबली। हाँ, हमारी बजरंगबली भाई कोई भी नहीं था वहां। 3 घंटे में एक आदमी आया, बस 3 घंटे में एक आदमी आया। फिर वो मेरे को नीचे लेके गया, ऐसे खड़ा पहाड़ था, नीचे जाके बिल्कुल लोकेशन पे भाई ड्रोन मिल गया। कसम से बोल रहा, मैंने तो सोचा भी नहीं था भाई, वो मोमेंट ना कैप्चर नहीं किया ना हमने। कसम से भाई, कल का तो एक्सपीरियंस ऐसा था कि हम तो हार मान चुके थे कि चलो वापस अब नहीं मिलेगा। हाँ। घर वालों ने इतने गालियां सुननी पड़ेगी। बिल्कुल हाँ जी हाँ जी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मिलेगा। तो शुक्र है, थैंक यू भैया।
हाँ भाई मिल गया, मिल गया ये। वहां से देख के तो ऐसा लग रहा था अब कभी नहीं मिलेगा। आज तो ट्रैकिंग होगी, आपको तो लोकल है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और ये सबसे ज्यादा मेरे को डर रहता था हमेशा कि उड़ाऊंगा, क्योंकि मैं देखता रहता था YouTube पे कि कई बार बर्ड्स अटैक कर देते हैं। कहाँ पे? तो फिर आज वैसे तो ड्रोन उड़ाना था हमने वहाँ पे स्पीति में, पर अफसोस उसका थोड़ा सा गिम्बल टूट गया। गिम्बल के उसमें एक डैम्पर लगा होता है रबर, मोड़ के वास्ते आप हैं नहीं कहीं, वो टूट गया। तो चलो आज GoPro से ही शूट करेंगे, अभी आ रहे हैं के साथ ट्राई करेंगे। बाकी इंस्टा 360 भी लेके आया हूँ, हम दिख रहे हैं आपको, तो चलते हैं यशु के पास। ये रहा भाई साहब सामने, बिल्कुल रेडी रेडी होके पूरा। हाँ जी भाई, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, आप हैं? चलो आपको मिस करेंगे सभी YouTube वाले बंदे। और जी बताओ फिर, चल रहे हो आप भी? जी सॉरी, मेरे भैया की शादी है कजिन की, नहीं तो मैं जरूर आता। तो हमारे भी हैं, तो फिर आपने भी आना है था? हाँ हाँ, शाम को ब्लॉग शूट होगा पूरा डांस का। पक्का? हाँ पक्का, मेरा भी डांस डाला जाएगा। हाँ तेरा तो पक्का कंफर्म है यार। जैकेट दिलवा दे मेरे को, जैकेट। बस जैकेट आ रही है, एक मिनट में। भाई जैकेट तो चाहिए, नहीं तो वहाँ पे जम जाएंगे हम। स्पीड काश ड्रोन होता। ड्रोन की भाई बड़ी, ड्रोन तो भैया ना, ना। कल का मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस था ना, अभी मैं बता के बोल के नहीं बता सकता हूँ। उससे पहले भी थोड़ा हमने एक बार देखा, ऊपर से कुल्लू दशहरे का जो पूरा लिया था। चलो तो रात को उड़ाया था, चल तेरे को भी बहुत बड़ा लेसन मिला है कल। हाँ है ना, बिल्कुल, अब नजरों के सामने उड़ाऊंगा, नजर के सामने जिगर के पास रखना है बस। करना था, ज्वाइन करेंगे नरेंद्र ठाकुर। नरेंद्र ठाकुर पंजाब वैली से, नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र ठाकुर जी। यार सामान बड़ा हुआ है, सामान थोड़ा इस साइड कर लो सामान। और भाई बंदे ने लाइसेंस का टेस्ट दिया अपना आज। अच्छा बंदे हो गए। तो ये भाई हमारे साथ चलेंगे साथ में स्पीति तक। फर्स्ट टाइम जा रहे हो आप शायद, है ना? हाँ मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, स्पीति वाली साइड, लेह लद्दाख वाली साइड गया हूँ कॉफी पीने के लिए। अब डायरेक्ट स्ट्रेट बिना रुके, क्यों करें भाई, निकलेंगे स्पीति के लिए। चलो जी, अभी यहाँ पे मनाली का टेम्परेचर कितना है फिर देखेंगे ना वहाँ पे कितना होता है। 19 डिग्रीज है यहाँ पे, वहाँ पे जाके चेक करते हैं कितना डिफरेंस आएगा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं कहाँ, सोलंग वैली ना, सोलंग वैली। यहाँ से यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिरी है, इसका मतलब आगे बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलने वाली हमें। बाकी देखते हैं टनल क्रॉस करके, देख सकते हो आप सामने पूरे स्नो कैप पूरा वाइट हो रखा है। तो भाई पहली बर्फ़ दिख चुकी है हमें, पर ये भी थोड़ी थोड़ी है, प्रॉपर तो आगे ही दिखेगी। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं, ये ट्रेलर, ट्रेलर है। टीजर है, टीजर है, टीजर देख लो। बाकी पूरी पिक्चर वहां पे है, मतलब इससे दूसरी वाली साइड क्रॉस करके जब निकलेंगे ना उस साइड। हां फिर दिखाते हैं आपको। तो अभी हम अटल टनल से 4-5 किलोमीटर पीछे हैं और यहां पे आके हम थोड़ी देर रुक गए हैं, क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हो भाई जन्नत है कसम से, जबरदस्त बर्फ पड़ी हुई है इस बार। तो ये सब पता नहीं कैमरा जस्टिस कर रहा है कि नहीं, पर भाई जो व्यू है ना यहाँ पे पीछे अल्टीमेट है। तो चलते हैं क्योंकि आगे भी हमने पहुंचना है, 2 बज चुके हैं, वहाँ पे भी 2-3 घंटे तो रुकेंगे ही जब इतनी दूर जाएंगे। लो जी हो गई हमारी अटल टनल में एंट्री, स्वागत है। कुछ भी नहीं पूछा यार, 4x2 गाड़ियाँ भी जा रही हैं, पता नहीं अब देखते हैं। ये मौसम अच्छा है ना, ये आ गया मैं अभी 4th या 5th टाइम। लो जी नरेंद्र का फर्स्ट टाइम। हाँ भाई का फर्स्ट टाइम है, पीछे जो भाई साथ में आया है
रहता ये मनाली में ही है पर फर्स्ट टाइम है। जा ही नहीं पाएगा भी। और अब मिलते हैं आपको सीधा। हाँ अभी 13 डिग्रीज बता रहा है यहाँ पे। नॉर्थ होटल में मिलते हैं अभी, मिलते हैं नॉर्थ साइड, वहाँ पे देखते हैं अब क्या माहौल है। 13 डिग्री है, बाकी देखते हैं कि बर्फ कितनी पड़ी है और क्या हिसाब है। 500 मीटर रह गया, देखते हैं अब उस साइड क्या माहौल है। हर बार सरप्राइज, फिंगर्स क्रॉस्ड, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होनी चाहिए। 5 डिग्री भाई, कम होता ही जा रहा है। लो जी नॉर्थ एंड, नॉर्थ पोर्टल में आपका स्वागत है। ओह जबरदस्त भाई, चश्मा लगाने पड़ेगा तो आंखों को लगेगी चमक। हाँ और ये है जी आपका नॉर्थ होटल। पहुंच चुके हैं हम दूसरी साइड, अब यहाँ से जो लेफ्ट रास्ता जाता है वो जाएगा लेह लद्दाख के लिए, और राइट हम राइट साइड जाएंगे, हम उड़ेंगे राइट साइड को कोकसर की तरफ, कोकसर वाली साइड। तो अभी हमने जाना था उस साइड काजा वाली साइड पर, वहाँ पे बंद है रास्ता शायद, तो इस साइड जा रहे हैं हम ले वाली साइड। प्लान में हल्का सा चेंज है, प्लान में हल्का सा चेंज साइड जा रहा है, देखते हैं अभी यहाँ पे आगे कहाँ तक जाते हैं।